आज यूजीसी ने देश में एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें यूनिवर्सिटी और महाविद्यालयों में सामान्य दिनों में जहां कॉलेज में ऑफलाइन 100% क्लास हुआ करता था, उसको आप 40% सामान्य कोर्स में और 70% कुछ अन्य कोर्सेज में वो ऑनलाइन क्लास लेने की बात कही है। और लॉकडाउन के दौरान भी और लॉकडाउन के बाद भी वो 40% जो है वो ऑनलाइन क्लास लेगी और 60% ही कैंपस में उसका क्लास लेगी, जबकि पूरे देश भर के छात्र जो है डिजिटल डिवाइड से जूझ रही है। और ये जो नया नोटिफिकेशन लाया गया है, इस नोटिफिकेशन से जो आम गरीब और मध्यम वर्गीय छात्र जो है उसको शिक्षा से वंचित करने की ये सरकार की साजिश है। पिछले साल लॉकडाउन में नया शिक्षा नीति 2020 जो लाया गया, उसमें देश के शिक्षाविदों, शिक्षकों और आम छात्रों से बिना बात किए हुए, बिना जो सामाजिक सरोकार वाला शिक्षा नीति पर बात किए हुए इस तरीके की शिक्षा नीति लाई गई है, जिससे पूरे देश के आम आवाम और गरीब तबके के छात्र वंचित होते दिख रहे हैं, जिसके लिए आयशा ने 3 जून से 6 जून तक पूरे देश व्यापी अभियान चलाया है, जिसमें आम छात्रों से, शिक्षाविदों से, शिक्षकों से आह्वान किया था कि आप जो है वीडियो बना करके जन सरकार के लिए और शिक्षा मध्यम वर्गीय तक शिक्षा पहुंचे, इस सवाल को लेकर आप यूजीसी के ईमेल पर ईमेल करें। इसके लिए आज लास्ट दिन 6 जून है, जो आज हम लोग राष्ट्रव्यापी प्रतिवाद दिवस के तहत आज हम लोग धरना देकर सरकार से मांग कर रहे हैं कि छात्र विरोधी शिक्षा नीति वापस ले और सामान्य और महाविद्यालय में अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी करने वाला नीति बनाए, ताकि छात्रों को शिक्षा बेहतर मिल सके और छात्र शिक्षक सुरक्षित रह सके। जिला सचिव सुनील कुमार, आयशा, समस्तीपुर।